What's up, YouTube? Welcome to Driving and Thriving, guys. और क्या हालचाल है यार, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी. आज मन कर रहा था कोई ब्लॉग स्टाइल वीडियो बनाई जाए. ये है अपना देसी स्टाइल स्टील का ग्लास, तो ये है अपना BSNNO नाइट्रिक ऑक्साइड पर ये जितने भी प्री वर्कआउट ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनमें सबसे बढ़िया ये वाला है जो मैंने यूज़ किया. काफ़ी सालों से मैं इसे यूज़ करता हूँ. इसे मैं डेली नहीं लेता, जब जब मुझे लगता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा बूस्ट या एनर्जी चाहिए जिम में, तब तब मैं इसे लेता हूँ. चलो यार, डेविड को फ़ोन करके देखते हैं कहीं गाड़ी चोरी चोरी तो नहीं हो गई. मैं सोच रहा हूँ गाड़ी सर्विस हो रही है या डेविड भाई साहब अपनी गाड़ी लेके कहीं घूम रहे हैं दूसरी दुनिया में. लेट्स सी. हे डेविड, हाउ यू डूइंग बडी? हे, व्हाट्स गोइंग ऑन विद द कार? इज इट रेडी? लेट मी नो व्हेन यू वांट मी टू स्टॉप बाय एंड पिक. व्हाट्स अप गाइस? तो यार, अभी मैं जिम से निकला था. डेविड का मैसेज आ रहा है, कह रहा है कि तो भाई डेविड कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि आज जाके लैम्बोर्गिनी उठा के लाएंगे, पर अभी मैंने डेविड को मैसेज किया था. वो कह रहा है सॉरी गेटिंग केयर विद बीइंग एंड ऑफ द मंथ. कहता है जी जो टायर प्रेशर मॉनिटर था, सेंसर, वो कहता ख़राब था, वो चेंज कर दिया है, पर अभी भी कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है. तो वो लैम्बोर्गिनी टेक्निकल से वेट कर रहे हैं, अभी क्या करें. आई थिंक उसका कोई रीडर एंटेना है जो कि इशू है. तो यार अगर जैसे ही उसे पता लगेगा भी टाइमलाइन क्या है इसकी आगे, तो मुझे अपडेट करेगा. यार गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो धूप निकली है बड़ी गंदे वाली. चलो देखते हैं, आई होप जल्दी गाड़ी दे दें. आई होप मंडे ट्यूसडे तक दे दें गाड़ी. तो फिर क्या इसकी मंडे ट्यूसडे फिर आपको लैम्बोर्गिनी की एक और वीडियो आपको दिखाते हैं. आप लोगों को जीप खड़ी है, उसका कलर देखो आप, कितना सुंदर कलर है इसका, देख रहे हैं? ये बड़ा बेबी पर्पल सा कलर है इसका. और आप लोगों को पता है पर्पल मेरा एक्चुअली फेवरेट कलर है. मेरा तो मुझे पर्पल काफ़ी अच्छा लगता है. वो जो कलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो बड़ा सही लग रहा है. गाइस अभी जिम करके निकला हूँ. यार टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिम के लिए. अभी आप थिंक मैंने लगाया कोई एक डेढ़ घंटा लगाया जिम में. इसके बाद अभी जाके लंच वगैरह करना है, थोड़ा काम कुम करना है घर से ही. उसके बाद फिर शाम को कोशिश करता थोड़ी कार्डियो वूडियो करें. यार पहले क्या था, जैसे जो वर्कआउट का मॉडल मैं यूज़ करता हूँ, जैसे बल्क कर लो आप, उसके बाद फिर कटिंग कर लो, पर उसमें यार टाइम बड़ा ख़राब हो जाता है. तो अभी मैं देख रहा था पीछे कुछ वीडियोस वगैरह में देख रहा था यूट्यूब पे, तो काफ़ी हैं जो इन्फ्लुएंसर वगैरह, वो कह रहे हैं जी आप कटिंग कर लो, उसके बाद बल्किंग ना करें, आप लीन बल्क करें. पता नहीं लीन बल्क काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी भी यूज टू नहीं है इसके लिए. चलो देखते हैं क्या बनता है. What's up guys? यार आज का तो बड़ा लेजी सा ही दिन चल रहा है. रेंजर पर दिया हुआ था सर्विस के लिए, तो सर्विस एडवाइज़र का फ़ोन आया रेंजर रोड से, कहते हैं तुम्हारी गाड़ी को नए टायर भी चाहिए और ब्रेकें भी चाहिए, और जो टायर वो रेकमेंड कर रहा है वो स्टॉक में भी उनके पास नहीं है, पर वो ब्रेकें डाल रहे हैं नहीं, तो ब्रेकें और रोटर वगैरह उसका जो भी काम वगैरह करना उन्होंने, तो वो करके उसका बनाया उन्होंने ऑलमोस्ट $2700 का बिल. यार ये जो नए रेंज रोवर है ना, जितने भी, ये जो हमारे वाला मॉडल है, ये 23 का मॉडल है, ये 23 में लिया था, तो ये अच्छे नहीं है यार. इससे पहले ना हमारे पास दो रेंज रोवर थे. हमारे पास था एक 2018 रेंज रोवर था HSE डीजल, उसके बाद हमारे पास था एक स्पोर्ट सुपरचार्ज्ड V8 सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट था वो, तो वो बहुत ही अच्छी रेंज रोवर थे. तो हमारे पास एक्चुअली काफ़ी रेंज ओवर रह चुके हैं. ये जो अभी हमारे पास है, ये आई थिंक अपना ये है कोई 5वां या 6वां रेंज ओवर रहेगा. तो इससे पहले जितने भी रेंज ओवर थे बहुत बढ़िया थे.
पर जब से ये वाला लिया है इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक्चुअली ये हमने लिया था, नया नया लिया था, ऑर्डर किया था जब नई प्रोटेस हुई हुई इनकी बॉडी वगैरह चेंज हुई थी, तब हमने इसे ऑर्डर किया था। तो आई थिंक उसके बाद साल डेढ़ साल, वैसे भी कोविड के कारण सभी गाड़ियाँ डिले हो रही थी, तो साल डेढ़ साल इसको बनाने में लग गया। उसके बाद जब से ये आया उसके बाद ये कम से कम लगता है 5-6 बार ये डीलरशिप के पास वापस जा चुका है। एक बार क्या होता है, एक बार इसका पैसेंजर ड्राइवर साइड पैसेंजर डोर स्टक हो गया था, तो वो खुलता नहीं था, उसका ना डोर हैंडल बाहर आता था ना खुलता था। तो उसके बाद फिर ऐसे सर्विस वगैरह के लिए लेके गए, फिर उन्होंने कोई फॉल्टी पार्ट में निकाला, वो फिर उन्हें पार्ट मंगवाना पड़ा, वो पार्ट आने में कम से कम आई थिंक 3 हफ्ते लग गए। तो 3 हफ्ते इन्होंने हमें एक रेंटल सी गाड़ी दी हुई थी छोटी सी, तो जो कि हम चला रहे थे। तो अभी जो हमने गाड़ी इनके पास भेजी है, अब इनके पास इतनी बुरी सर्विस है इनकी कि इन्होंने हमें एक रेंटल गाड़ी तक भी नहीं दी। तो यूजली जब भी आप कोई भी गाड़ी लेके जाते हो सर्विस के लिए, आपको वो साथ में लोन वगैरह देते हैं, पर इसका हमें कोई लोन उन्होंने दिया नहीं। तो हाँ गाइस, उसका फ़ोन आया जोसेफ का, सर्विस एडवाइज़र फ्रॉम लैंड रोवर, कहता भी तुम्हारी गाड़ी फाइनली फिनिश हो गई है और उसे लेने आ जाओ, अभी बजे हैं 5:45, और कह रहा जी मैं 6 बजे तक यहाँ पर हूँ, और पहले मुझे उसने बोला था कि 4:30 बजे तक तुम्हारी गाड़ी फ्रेश हो जाएगी। क्योंकि सर्विस बुरी 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 होती जा रही है, दिन पर दिन ना बुरी होती जा रही है, इतनी महंगी महंगी सारी गाड़ियाँ बेचते हैं उसके बाद इस तरह की सर्विस देते हैं तुम्हें। और गाड़ी पे उसने कोई मुझे रेंटल रूट भी नहीं दी थी, जैसे कोई तुम्हें देते हैं कटसी कार वगैरह देते हैं, वो भी नहीं ना मुझे कुछ दी थी इन्होंने। अंकल टाटा क्या हो गया तुम्हारे एम्प्लॉइज को यार, हमें तो लग रहा था कि अंकल टाटा ने कंपनी ले ली है, बढ़िया हो जाएगी कंपनी, तो पर मुझे तो लगता है ये ख़राब ही हो रही है कंपनी। अंकल जी कुछ करो इसके बारे में। अभी यहाँ से गाड़ी उठा रहे हैं रेंज रोवर, तो इसकी ब्रेके पड़ी हैं यार $2300 की, एक्चुअली जो टोटल था वो था $2613 था, यहाँ सर्विस एडवाइज़र ने मुझे $300 का डिस्काउंट वगैरह देके, एक्चुअली $402 का डिस्काउंट देके, तो 2300 चेगा रहना सारी, फंस गए यार ये गाड़ी लेके। तो यार इनका काम ना ख़राब ही है, इनके पास ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी गाड़ियाँ ये आप देख रहे हैं ना इधर खड़ी, ये सारियाँ ये इनकी रेंटल गाड़ी हैं, लोनर्स वगैरह जो आप सर्विस वगैरह के लिए गाड़ी लेके आते हैं तो आपको ये गाड़ी यहाँ पे देते हैं, पर इन्होंने मुझे यार कोई भी गाड़ी नहीं दी। जब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार गाड़ी दे दो, तो कहते हैं जी गाड़ी हमारे पास कोई रेंटल है नहीं है, लोनर अवेलेबल नहीं है। यार सही में के भाई का रेंज रोवर, चलो जो भी है, गाड़ी की ब्रेक तो डाल दी इन्होंने। हाँ गाइस, तो डेफिनेटली यार ये जो रेंज रोवर है ना, पहले जैसी गाड़ी नहीं रह गई है, जो पहले रेंज रोवर हुआ करता था ना, जिस क्वालिटी का हुआ करता था, इसे आप जो मर्जी ले जाओ जहाँ मर्जी ले जाओ, अब यार ये वो नहीं गाड़ी रह गई है। मेरे पास जो पहले था ना रेंज रोवर डीजल था मेरे पास HSE, तो यार उस गाड़ी को मैं लेके मैं ऑफ रोडिंग तक गया हुआ हूँ। इमेजिन करो आप रेंज रोवर पे ऑफ रोडिंग करनी, उसको मैंने पता नहीं कहाँ कौन से पहाड़ों में से उसे निकाला हुआ था, तो कभी वो गाड़ी फंसी नहीं, कभी मुझे उसमें दिक्कत नहीं आई, पर यार ये वाली जो गाड़ी है ना ये तो सब फकिंग सब मेस, इट्स अ मेस। गाइस ये आ गया आपके भाई का रेंज रोवर। यार ये जो वैन है ये नहीं है, ये एक्चुअली जो वैन है ये ना प्लम्बर था, वो टूटी शाटी ख़राब हुई थी घर की, तो उसको बुलाया था। ये यहीं ख़त्म करते हैं, और जुड़े रहिए चैनल के साथ, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन हैव फन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।